फ्रेंड्स, मैं आपका हरिओम निटिंग चैनल में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम माता रानी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल हरिओम निटिंग में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम माता रानी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे माता रानी की ड्रेस के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने एक टैटर्न का पीस ले लिया है, इसका मेजरमेंट देखते हैं। तो ये मैंने देखिए 10x7 इंच ले लेना है, ठीक है। 10x7 इंच का हमने एक टैटर्न का पीस कट कर लिया है। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम लगाएंगे 1 इंच पर, ठीक है। और यहाँ से इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पे लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमने ये 1 इंच वाला जो निशान और 1/2 इंच वाला है उसको हमने इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से 6 इंच पर, ये देखिए, इस निशान से यहाँ पर 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो हमारा ये राउंड आया है उसके बस इसी तरह से घुमाते जाएंगे और 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमने 6 इंच पर निशान लगाते हुए इसे यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे 6 इंच पर, और यहाँ पर एक लाइन भी लगा लेंगे, ये देखिए, ये हमारा 6 इंच यहाँ पे आता है। इस तरह से करेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे इस निशान को। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी ड्रेस बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर 2 पीस और कॉटन के कलर के कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 2 पीस लिए हुए हैं। इसे हम इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए, जैसा कि ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इतना इतना हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इस तरह से हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब कट करने के बाद अब हम इसके 3 तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से लगा सकते हैं या आप नीचे से लगा सकते हैं, जहाँ से आपको, मैं इसको ऊपर से लगाऊंगी और फिर नीचे इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे मैं बेस बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, किनारे किनारे पे बिल्कुल, और ऊपर से भी लगा दी है। और यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारा इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बेस रेडी हो गया। और अब हमने क्या करना है, नीचे से भी एक सिलाई लगा ली है मैंने, देखिए आगे पीछे से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर नीचे से इस तरह से लेस लगा लूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं इस तरह से लेस लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे मैंने लेस लगा ली है। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए, इसका मेज़रमेंट लेंगे यहाँ से कमर से यहाँ तक, तो ये हमारा 5.5 इंच आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमने डबल फ्रिल वाली लेस लगानी है। तो इस तरह से अगर हम 5.5 को हाफ कर लेते हैं तो ये हमारा 2.5 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब 2.5 इंच की
दो पट्टियाँ कट कर लेनी है, एक हम यहाँ लगाएंगे एक यहाँ ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पट्टियों को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ढाई ढाई इंच की दो पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए, ये तीन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट की हैं क्योंकि बाद में हम थोड़ी सी फिनिशिंग करने में कट कर लेंगे। तो तीन इंच की हमने दो पट्टियाँ कट कर ली। तो अब हमने बेस लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा ये पूरा 5.5 इंच आता है, यहाँ से देखते हैं तो 5.5 इंच है। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो पूरे लहंगे पर इस तरह से हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर फिर हम इसको आपस में मिला लेंगे इस तरह से। और जो अब हमने ये निशान लगाया है उस पर हम नेट की फ्रिल बनाएंगे और फिर हम उसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेट की फ्रिल बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्रिल बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये पट्टी कट कर ली है, सबसे पहले हम इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ाते हुए इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इकट्ठा करेंगे और फिर यहाँ से मशीन चलाते हुए इसे फ्रिल बनानेंगे। या तो आप इस तरह से फ्रिल बनाकर इस लहंगे पर लगा सकते हैं, या आप एक ये तरीका भी है कि आप इस तरह से, ये देखिए जो हमारा निशान है वहीं पर इसी तरह से प्लेट्स डालते हुए, ये देखिए इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं ये वाला तरीका अपनाऊँगी, आपको जो ईजी लगे वो कर लेना। तो चलिए मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पर ये झालर बनाकर लगा दी और नीचे से हमने इसको बराबर बराबर से इक्वल कट कर लेना है। और अब हम लैस दोबारा लेंगे और इस जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह से एक बार ये दोबारा से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैं लगा लेती हूँ इसे। तो ये देखिए, इस तरह से लैस लगा कर अब हम एक और फ्रिल जो हमने कट की थी उसको हम इस तरह से ऊपर की ओर ऐसे फ्रिल डालते हुए इसे भी कमर के साइड साइड में लगाते जाएंगे। तो चलिए इस तरह से मैं इसे भी लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ऊपर से भी फ्रिल लगा ली है। अब हम इसके साइड वाली एजेस को कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरफ से हम इस तरह से लैस को लगाएंगे और यहाँ पर इसे कवर कर लेंगे। इस तरह से ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बना लिया। अब हम ऊपर से नेफा लगाएंगे। तो उल्टी तरफ से हम इस तरह से ही हमने नेट की पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको, ये देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेफे को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर अब हम डोरी डालेंगे और इस नेफे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद एक लेस का पीस हम यहाँ पर भी लगा लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे लगाया है इसके ऊपर भी लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के स्टोन लिए हुए हैं और इन स्टोनों को मैं, ये देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली है इसके ऊपर इस तरह से। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे तो हमारी मैया जी का लहंगा बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको चोली बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैया जी का लहंगा बनकर रेडी हो गया है। तो चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए हम नेट की पट्टी, तो ये देखिए फ्रेंड्स, चोली बनाने के लिए मैंने जो पट्टी को कट कर लिया है इसको मैंने, ये देखिए 12 इंच इस तरह से लंबा ले लिया है और यहाँ से मैंने 3.5 इंच चौड़ा कट कर लिया है। और अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके एक साइड को हम लैस लगा लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है और अब मैं इसको, ये देखिए, यहाँ से ऐसे सील दूंगी और ऊपर से हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में रख के इसके यहाँ पर सील दूंगी। अगर आप अलग रखना चाहते हैं तो ऐसे रख बनाकर पट्टी को यहाँ पर आप लैस लगा सकते हैं बांधने के लिए, या इसे आप इस तरह से फोल्ड करके इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो मैं अब इसको इसके साथ ही सिलाई लगा दूंगी, इस तरह से रख कर इसके सेंटर में रखेंगे और ये इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो चलिए इसे सूखने के बाद मैं सिलाई लगाऊंगी। और अब हम दुपट्टा बना लेते हैं। दुपट्टा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीस कट कर लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच। ठीक है,
17 इंच इस तरह से लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई मैंने 8 इंच ले ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से, यहाँ से नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पर हमारी कन्नी वाली साइड है तो इसलिए अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करके पहले तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे और फिर जो हमने लेस यूज़ की है ये वाली वही चारों ओर लगा देंगे। चलिए बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैया जी का लहंगा बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी अपनी मैया जी के लिए इस तरह से सुंदर सुंदर लहंगा बनाकर पहनाइएगा नवरात्रों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।